तो हेलो गाइस, और कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी लोगों का माइनक्राफ्ट के एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मोजंग ने जो एक नया मॉब ऐड किया है एक्सोलोटल, जो कि हमें लश केव्स में मिलने वाला है। उसके बारे में हम सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसे ही वीडियो और भी लाने वाला हूं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो के पहले लाइक बटन दबा दो। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कि आखिर एक्सोलोटल है तो है क्या। तो गाइज यार, मैं बता दूँ आपको कि एक्सोलोटल कोई फैंटेसी मॉब वगैरह कुछ है नहीं, वो हमारे ओरिजिनल वर्ल्ड से कॉपी किया गया है। तो एक्सोलोटल जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है, वो एक एम्फीबियन है बेसिकली, मतलब वो पानी में भी रह सकता है और चार टांगों की वजह से वो ज़मीन पर भी चल सकता है। तो अभी तक मोजंग ने जो ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज़ किया है उसमें हमें सिर्फ तीन कलर का एक्सोलोटल दिखने को मिले हैं, शायद वो और भी ऐड कर सकता है। और फिर अब बात करते अपने खुद के पेट एक्सोलोटल के बारे में। यार अब बोलेंगे आप यार पेट कैसे बना सकते, तो ये देखिए जो हमने ट्रेलर देखा है उसमें हमने देखा है कि एक्सोलोटल की एक बकेट भी है जो कि इस तरह से कुछ दिखती है। आपको एक सिंपली वाटर बकेट लेके जानी है और उस पर क्लिक करना है तो आपको एक एक्सोलोटल की बकेट मिल जाएगी। और ये इनके बहुत सारे फ़ायदे यार गाइस, मतलब आगे वीडियो को देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो और आप नहीं चाहोगे कि यार कुछ फैक्ट्स आप ऐसे ही मिस कर दो यार। तो गाइज बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, और जिन लोगों ने लाइक नहीं किया वो अभी जाकर लाइक कर दो भाई लोग। तो ये देखिए एक्सोलोटल का सबसे पहला फ़ायदा जो कि हमें मिलता है डार्क, ये डार्क नहीं यार ओशन मॉन्यूमेंट, हाँ ओशन मॉन्यूमेंट। तो अगर जो माइनक्राफ्टर ने ओशन मॉन्यूमेंट में गए हैं तो उनको सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है इस सी के गार्डियन से। तो एक्सोलोटल, अगर आपको पता ही होगा कि एक्सोलोटल जो है अगर उनको डैमेज दिया जाए तो वो सिंपली टेम होने के बाद प्लेयर की मदद करते, बहुत ज़्यादा मदद करते यार, मतलब कि हम वुल्फ के जैसे पानी में एक्सोलोटल की आर्मी बना सकते हैं यार। आप मतलब कह सकते हो कि वो पानी के वुल्फ है। और अब आप सोचोगे कि अगर वो पानी के वुल्फ है तो यार उनकी हेल्थ होती होगी, वो कम होगी या नहीं यार। हमें तो ये भी पता है कि सबसे डेंजर मॉब जो कि एंडर ड्रैगन, उसे भी ये पिलर्स वगैरह एंड जो नेदर स्टार, ये क्या बोल रहा हूँ, एंड स्टार होते हैं उनसे हेल्थ मिलती। तो यार एक्सोलोटल की भी एक बहुत ही बढ़िया टेक्निक है, मतलब हेल्थ अपनी रिजनरेट करवाने की। मेरे को पता नहीं अभी तक कि रिजनरेट करवाने के लिए वो खुद करता है फिर हमें कुछ देना पड़ता है। पर ये देखिए जो मोजंग ने ट्रेलर रिवील किया है उसमें हमें एकदम क्लियरली दिख रहा है कि अगर एक्सोलोटल को ज़्यादा डैमेज वगैरह हुआ तो वो बेसिकली मरने का नाटक करते हैं यार। कितनी बढ़िया टेक्निक है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ यार। अगर किसी एक्सोलोटल को ज़्यादा डैमेज होता है तो वो कैसे मरने की कोशिश दिखा देता है कि वो मर गया इनविजिबिलिटी इफेक्ट वगैरह के साथ। यार ये टेक्निक जो है वो जो बिहेवियर है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, और दे कैन बी वो खुद को हील कर सकते, खुद को हील करते यार, मतलब उनको कुछ खाने की गरज नहीं है ऐसा हम बोल सकते हैं। वैसे ये पूरी तरीके से कंफर्म तो किया है नहीं मोजंग ने, पर मेरे को तो लगता है क्योंकि ये इसके वजह से। और जब तक ये थेरी की फूड सोर्स यार, उनको टेम कैसे करें, क्योंकि किसी भी मॉब को हमें टेम करने के लिए खिलाना पड़ता है खाना। जो वुल्फ को बोन खिला दिए और जिसको जो खिलाते वो खिलाते, पर एक्सोलोटल को कैसे टेम करते। तो यार मेरे को जो लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नया बायोम ऐड किया गया है जिसका नाम है लश केव्स, तो उसमें ये जो क्रीपर वाइंस जो स्ट्रक्चर है तो उन पे एक ग्लोबेरी के नाम का फ्रूट जो है वो उगता है। तो मेरे को लगता है कि उनसे टेम किया जा सकता है। ये मेरे को क्यों लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में, पर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर अभी के अभी सब्सक्राइब कर दो भाई। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि यार मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि, तो इस ट्रेलर में आप सब देख सकते हैं यार, इन जो ये जो एक्सोलोटल रहते हैं उसके ऊपर ही वो लश केव्स है। मतलब कि यार मेरे को क्या लगता है, जहाँ पर उनका रहना है वहीं पर उनका खाना होता होगा, तो इसलिए मेरे को लगता है कि यार वो ग्लोबेरीज से टेम किए जा सकते हैं। यार इस पे आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फिर जो बात आती है वो है कि एक्सोलोटल को ढूंढे तो ढूंढे कहाँ। यार भाई लोग वीडियो को लाइक कर दो, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं हाउ टू फाइंड एन एक्सोलोटल के बारे में। तो हमने जैसा कि देखा है, मैंने बहुत बार बताया इस वीडियो में कि एक्सोलोटल हमें मिलने वाले जो लश के उसका जो पानी दिख रहा है वहाँ पर हमें मिल सकते,
क्योंकि हमें जो ट्रेलर दिखा है उसमें भी हमें वही पर मिले, तो अब हमें लश केव्स कैसे दिखेंगे? तो आपको बेसिकली ढूंढने ये जो है अजेलिया ट्री, हाँ अजेलिया, तो उसके साइड में जो एक ट्रेंच जाता है मतलब नीचे खाई जैसा है, तो वहाँ पर हमें ये नया बायोम दिखने को मिलने वाला है। तो जब भी आप ये ऐसी अजेलिया ट्री ढूंढते हैं तो आपको मालूम है कि आपको क्या मिलने वाला है भाइयों। तो बस इतना ही है आज की इस वीडियो में। तो जाने से पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दो। तो बाय गाइस। Drop top, drop top, smoking, no cooking, the hot box. Cooking, fucking on your bitch, yeah, that. Cooking up dope in the crock pot. We came from nothing to something, nigga. Hey. I don't try no.